गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर पार्टनरशिप टॉपिक एंड दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप. सो बी अटेंशन ऑन इट. सो नॉर्मली क्या होता है, डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिसोल्यूशन होता क्या है. डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को एंड करना, समाप्त करना, तो वो डिसोल्यूशन होता है. तो यहाँ पे जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है या उसे समाप्त किया जाता है, तो वो वाला कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो ठीक है, जब भी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता था, रिटायरमेंट होता था या उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता था. लेकिन जो ये चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में हम उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसमें पूरी पार्टनरशिप फर्म का ही एंड हो जाता है या पूरी पार्टनरशिप फर्म को ही समाप्त कर दिया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट फॉर्म्स कंटिन्यू. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है कि जो भी पार्टनरशिप है, पार्टनर्स हैं, पार्टनर से मिलकर कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो अगर उनके रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है, जब किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है या फिर किसी भी पार्टनर के का एडमिशन होता है या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, तो वो कंडीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप शिप इन रिलेशनशिप ऑफ अमंग पार्टनर. मीन्स पार्टनर्स के रिलेशनशिप में क्या चेंज आ रहा है, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मीन्स जैसे कि डिसोल्यूशन हो रहा है किसी पार्टनर के एडमिशन होने पर चेंज हो रहा है पार्टनरशिप में, या किसी की रिटायरमेंट के बाद कुछ चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है आपका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग ये है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, कि जो भी बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या फिर फर्म को पूरी तरीके से वाउंड अप कर दिया जाए, उसका एंड कर दिया जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो अगर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है या मेन डिफरेंस क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम फर्म को एंड करते हैं, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंसेप्ट आता है तो मींस इसका मीनिंग होता है चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स. क्लियर, तो ये दो डिफरेंस है. तो जब भी डिसोल्यूशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, तो पूरी की पूरी फर्म, जो भी हमने पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश करी थी चार या तीन पार्टनर ने मिलकर, उस एंटायर फर्म को पार्टनर्स की सहमति से या किसी और तरीके से एंड किया जा सकता है, तो वो कहलाता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, अब चलते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. मोड्स मीन्स, मोड्स का मीनिंग होता है तरीके, कौन कौन से तरीकों से किसी भी फर्म का एंड किया जा सकता है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे किसी भी पार्टनरशिप फर्म को समाप्त किया जा सकता है. तो पहला जो मोड है वो क्या है आपका, म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल मीन्स आपसी साझेदारी. ठीक है, या आप बोल सकते हैं म्यूचुअल मीन्स उनकी आपस में क्या सहमति हुई है, क्या एग्रीमेंट हुआ था. कई बार क्या होता है, पार्टनर्स आपस में मिलकर कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का एंड कर देंगे या उसे समाप्त कर देंगे. तो अगर ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म, मीन्स म्यूचुअल एग्रीमेंट है, सभी की सहमति है, तो वो उस एग्रीमेंट, उस कंसेप्ट, उस मोड को क्या बोला जाता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, सभी पार्टनर्स की सहमति से किसी भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है. ठीक है, उसके बाद दूसरा मोड क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन. कंपलसरी मीन्स, अच्छा, कंपलसरी मीन्स करना ही पड़ेगा, ये कंडीशन अगर अराइज हो गई तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी अकॉर्डिंग टू एक्ट के अकॉर्डिंग उसे समाप्त करना ही पड़ेगा. तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ऑल पार्टनर्स और वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट. कई बार क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, जैसे हम मान के चल रहे हैं
दो या तीन पार्टनर्स मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, उन सभी पार्टनर, अगर वो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट वर्ड हमने इलेवन इलेवन क्लास में भी पढ़ा था, और इसका मीनिंग होता है कंगाल होना या फिर दिवालिया होना। तो अगर सभी पार्टनर्स या उन सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस फॉर्म को, उस पार्टनरशिप फॉर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ता है। कंपलसरी मीन्स आवश्यक करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद व्हेन बिजनेस ऑफ द फॉर्म बिकम अनलॉफुल, अनलॉफुल मीन्स कोई ऐसा बिजनेस किया जा रहा है जो बिल्कुल ही अनलॉफुल है, या फिर गवर्नमेंट की या फिर सरकार की नज़र में वो करने लायक नहीं है, मीन्स उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर की जा रही है, तो उस कंडीशन में भी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का एंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड मोड था, पहला था हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेकेंड था हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है। अब है जो हमारा तीसरा कंसेप्ट, दैट इज बाय नोटिस। कई तो बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू भी किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे ये, तो इन केस पार्टनरशिप एट विल, कई बार क्या होता है, हमने आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप जो होती है एट विल भी होती है एंड बाय एग्रीमेंट भी होती है। तो अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है और वो बाय विल हुआ है, तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर कभी भी नोटिस देके फॉर्म को, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फॉर्म मे बी डिसॉल्व एनी पार्टनर बाय गिविंग रिटर्न नोटिस, ठीक है। अगर पार्टनरशिप जो स्टार्ट की गई है उसकी कंडीशन थी बाय विल, कि अगर कोई पार्टनर चाहेगा तो वो रिटर्न में नोटिस देके फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है, मीन्स सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग है। तो ये भी आपके टर्म इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इन केस अगर पार्टनरशिप बाय विल है, ठीक है, तो कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप रिमेनिंग पार्टनर्स को रिटर्न में नोटिस देकर फॉर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। उसका ये राइट है कि अगर वो बाय विल, अगर वो चाहेगा तो उस फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। और ये तभी होगा जब पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट हुई होगी, बाय विल हुई होगी, ठीक है। ये कंडीशन तब होगी जब बाय विल, पार्टनरशिप बाय विल, विल का मीनिंग होता है अपनी मर्जी से, एक रिटर्न में नोटिस मीन्स अपनी मर्जी से वो अगर कर सकता है, एग्रीमेंट में है, तब वो नोटिस दे के फॉर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब जरूरी नहीं है कि हर बार पार्टनर्स ही चाहें या फिर किसी और कंडीशन से, कई बार क्या होता है कोर्ट के लीगल एक्शंस, कोर्ट भी लीगल एक्शंस ले सकती है, इस कंडीशन में भी किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इन दीज कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कई बार क्या होता है, अगर कोई ऐसा पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड किया गया जिसे कुछ पता ही नहीं है, या फिर अनसाउंड माइंड का है, या फिर अबनॉर्मल बोल सकते हो आप, तो उस टाइप के पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर ज्वाइन कराया गया, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट के थ्रू एक नोटिस आ सकता है कि फॉर्म को बंद करो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर अच्छे से ड्यूटीज नहीं कर रहा है, या पार्टनरशिप फॉर्म में जो एग्रीमेंट हुआ था उससे से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट के थ्रू नोटिस आ सकता है और पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अब देखो एग्रीमेंट में ऐसी बहुत सारी टर्म्स लिखी होती है जिन्हें सभी पार्टनर्स को मानना होता है, ठीक है। जैसे तीन पार्टनर थे, तीनों ने एग्रीमेंट किया कि ये कंडीशन होगी, प्रॉफिट हम ऐसे डिवाइड करेंगे, इतना मिलना चाहिए हमें, वो सभी कंडीशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, एग्रीमेंट को मान ही नहीं रहा है, या मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट के थ्रू नोटिस आ सकता है और फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर। ब्रीच्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे तोड़ना, जिसको नहीं पता है लिख लो आप क्या मीनिंग होता है ब्रीच्ड का, तोड़ना। तो अगर कोई पार्टनर या पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर, उनमें से कोई एक पार्टनर एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट हुए उसको तोड़ता है, रूल को तोड़ देता है जो एग्रीमेंट में दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकती है, ठीक है।
उसके बाद व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट कैरीड ऑन एक्सपेक्ट एट अ लॉस, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं फर्म को और अब उसको चलाना मुश्किल है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि चलिए अब आपका बिजनेस लॉस में ही जा रहा है, आप नहीं चला सकते तो इसको एंड कर दो। तो उस कंडीशन में भी फर्म को, कोई भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद है आपका फिफ्थ, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट दैट मेंशन इन अ पार्टनरशिप डीड। कई बार इवेंट का मीनिंग होता है कोई इवेंट करवाया गया है, तो अगर किसी घटना के घटने से भी पार्टनरशिप फर्म का एंड हो सकता है, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड। कई बार क्या होता है, इवेंट मीन्स एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड, अगर जिस डेट के लिए, जिस एंड डेट तक के लिए फर्म ऑर्गेनाइज की गई थी, अगर उस डेट को तक वो फॉर्म कंप्लीट कर देती, उस डेट को कंप्लीट कर देती है अगर कोई फॉर्म, तो भी उस कंडीशन में फॉर्म का एंड हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, तो इवेंट का मीनिंग होता है घटना, तो कई बार क्या होता है अगर फॉर्म किसी पर्टिकुलर डेट पे एंड करने के लिए, मीन्स इस डेट पे इसका एंड हो जाएगा, अगर वो डेट कंप्लीट हो चुकी है तो तब भी उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद या उस डेट के कंप्लीट होने के बाद भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, कई बार एग्रीमेंट में ऐसा भी होता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पार्टनर सोचते हैं कि अब इसकी डेथ होगी, चलो अब हम खुद दो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर इनसॉल्वेंट, अगर किसी कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, कोई फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। और उसके बाद दूसरा, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, वेंचर का मीनिंग होता है कि कई बार क्या होता है कोई पार्टनरशिप फॉर्म किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, और अगर वो पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर वेंचर कंप्लीट हो जाता है, तो उस वेंचर के कंप्लीट होने के बाद उस पार्टनरशिप फॉर्म को ख़त्म कर दिया जाता है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो अगर कोई वेंचर जिस पर्पज़ के लिए क्रिएट की गई थी फॉर्म, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके कंप्लीशन के बाद भी किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये मोड्स थे जो थे आपके, और ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का, और ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मोड्स के थ्रू किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ठीक है, उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट भी हो सकता है, या ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और किसी इवेंट के थ्रू भी किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्लियर। तो ये कंडीशन है जिसके थ्रू किसी भी फॉर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हो। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक का टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।